बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन 6 पार्ट 3 करेंगे। क्वेश्चन है फॉरवर्ड वैल्यू आपके द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रियल और इमेजिनरी। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0। इक्वेशन लेते हैं हम पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0, जिसमें अगर हम देख लें तो a इज इक्वल टू कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, b इज इक्वल टू कोफिशेंट ऑफ एक्स है 5 और c इज इक्वल टू कांस्टेंट है हमारे पास k। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है कि अगर रूट्स रियल हो तो k की वैल्यू फाइंड कर लें। तो अगर रूट्स हमारे पास रियल हो तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आएगा। तो मैं लिखता हूँ इफ रूट्स आर रियल देन डिस्क्रिमिनेंट जो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। वैल्यूज लगाते हैं। b है हमारे पास 5 तो 5 स्क्वायर माइनस 4, a है हमारे पास 1, c है k ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 5 5 = 25 माइनस 4k ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 4k को मैं राइट साइड पर शिफ्ट करता हूँ तो यह हो जाएगा 25 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4k डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 4 कर लेंगे तो 25/4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4k/4। ये दोनों कट जाएंगे जिस मीन्स के 25/4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू k। इसको हम सिंपल लिख सकते हैं कि k लेस देन आर इक्वल टू 25/4। तो k की वैल्यू हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू 25/4 होगी अगर रूट्स हमारे पास रियल हों। अब हम इमेजिनरी के लिए फाइंड करते हैं बिल्कुल इसी तरह से। पार्ट बी इफ रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी देन तो फिर हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac वो लेस देन 0 होगा। इसमें वैल्यूज लगाते हैं तो ये हो जाएगा b की जगह आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4, a है हमारे पास 1, c है k लेस देन 0। 5 5 = 25 माइनस 4 1 = 4k लेस देन 0। 4k को मैं राइट साइड पर शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा 25 इज लेस देन माइनस 4k इस साइड पर आकर प्लस 4k हो जाएगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 4 करते हैं 25/4 लेस देन 4k/4। ये दोनों कट जाएंगे। दिस इंप्लाइज 25/4 इज लेस देन k, जिसको हम सिंपल लिख सकते हैं कि k इज ग्रेटर देन 25/4। तो अगर रूट्स हमारे पास इमेजिनरी हो तो k की वैल्यू ग्रेटर देन 25/4 होगी।